अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह का नाम है, आपको अपने चैनल पर खुश आमदेद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हजरात मोहतरम, मुल्क के अंदर सियासत फिर दोबारा गहमे गहमे का आगाज़ हुआ है। सियासत के अंदर मद्दोजजर आ गया है और फिर अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र है और हुकूमती उम्मीदवारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई है। सादिक संजरानी साहब ने जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे उन्होंने 48 वोट हासिल किए हैं और यूसुफ रजा गिलानी जो कौमी असम्बली में फाते ठहर कर सैनेटर मुंतखब हुए थे उन्होंने 42 वोट हासिल। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 7 वोट जो हैं वो गिलानी साहब के चेहरे अकदस पर डाले गए हैं और फिर वो उनका नुक्ता नज़र अपोजिशन का ये है कि बैलेट पेपर का जो इबारत है वो कन्फ्यूजिंग सी इबारत है, यानी उसमें यह वाजे नहीं होता है कि पूरे खाने में किसी जगह पर लगानी है या उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगानी है। उसमें अल्फाज अगर इस तरह से होते, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं, अगर ये इबारत, मेरा ख्याल यह है कि अंग्रेजी दानों ने यह इबारत तहरीर की, अगर ये इबारत इस तरह से होती, अबारत के अंदर नक्श यह है कि अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने में नाम के सामने मोहर लगाई जाए, तो फिर वो जो 7 उम्मीदवार हैं, 7 सेनेटर्स हैं, उनको ये बहाना ना मिलता कि हमने पूरे खाने को पूरा ही खाना समझ के मोहर लगाई थी, यानी उन्होंने अपने हलफ को भी पूरा कर लिया है और जिलानी साहब का भी खाना खराब करने में मुसलसल आमदन कोशिश की है। तो इस अब फिर अपोजिशन के लिए कौन से 3 चॉइसेस हैं या इसका मुतबादल क्या है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनका उनके लिए एक मौका है कि वो इलेक्शन रूल 2017 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, जिसके इम्कान मुझे कम नज़र आते हैं, या फिर 199 के तहत हाई कोर्ट की तरफ रजू करें, या फिर अगर वो लंबी छलांग लगाने चाहते हैं तो 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ ले जाएं, ताकि वहाँ खाने में पड़ने वाले वोट के बारे में वजाहत हो सके। और फिर इसमें यह भी जिक्र हो रहा है कि भाई कोई साजिशी थ्योरी थी, उधर से ऊपर से भी 7 वोट जाए हुए थे, नीचे से भी 7 वोट जाए हुए हैं, और फिर बज़ाहिर जो लगता था कि अपोजिशन को अक्सरियत हासिल है, उनकी अक्सरियत को उन्हीं के अंदर बैठे हुए तकरीब कार कह लें, उनकी पार्टी के गद्दारों ने कह लें, या जमीर पर जागने वाले लोगों ने, वो 7 वोट कसदन अमदन इरादन लगता ऐसा ही है कि इतनी दफ़ा वोट डाले हैं कि सामने खाने के बजाय ऊपर मोहर लगा दी। लेकिन अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी, प्रिजाइडिंग अफसरों को तय करके जनाब सादिक संजरानी साहब को जो हुकूमती उम्मीदवार थे 48 वोट देकर वो कामयाब करवा दिया, अगर 42+7 वोट बन जाते तो यूसुफ रजा गिलानी यकीनन जीत जाते। इससे जाहिर यह होता है कि मेंबराने सेनेट ने भी अपनी दानिश का मुजाहरा करके 7 वोट गिलानी के चेहरे पर लगा दिए हैं, ताकि एक कन्फ्यूजन सी अल्यूजन सी पैदा हो जाए और गिलानी भी मुतमिन हो जाए और उधर फिर अपना ज़मीर भी चाहे वो दाखिली तौर पर या खारजी तौर पर मुतमिन हो सकता है। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेनेट के अंदर भी लोग समझदार हैं और हालात और वक्त के ताबे होकर अपने ज़मीर को बेदार कर लेते हैं। और फिर उसके होगा क्या पीटीआई के लिए, क्या पहले से ज़्यादा मुश्किल होगी? मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो 2.5 साल दौर पीटीआई का गुजरा है, जिसे उन्हें बहुत सी मुआशी समाजी और सकाफती मुश्किल का मुकाबला करना पड़ा है, अब आइंदा 2 साल के अंदर कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि वो बहुत बड़े मुआशी असलाहत कर लेंगे या कोई इनकलाब बरपा कर देंगे या पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिनको वो दिखाकर आगे आइंदा वोट मांग सकेंगे। ये पीटीआई के लिए ज़्यादा मुश्किल का जो नज़र आ रहा है ये बुनियाद बनेगी। और फिर पीटीआई का जो मौक़िफ़ था, स्लोगन था पिछले इलेक्शन के अंदर कि हम रिश्वतस्तानी के खिलाफ जिहाद करेंगे, वो जो स्लोगन है वो भी मुझे कोई आइंदा इलेक्शन के अंदर कामयाबी दिलाता हुआ नज़र नहीं आता। और तीसरी बात यह है कि ये जो अदालती जंग है पीटीआई, क्या इसको तहमल मजाजी से लड़ती है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्यादत ने जिस शोर गौगा का आज़ार किया है और वो समझ लें कि धमकियां लगाई हैं कि हमें एजेंसी वाले लोग तंग करते हैं, तो लगता ही है वो शोला बर्पा होने वाला है, वो जो अंदर उनके लावा फूट रहा है या पक रहा है उसके आगे बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। और जो एहतजाजी सियासत है उसमें इजाफा होगा। पहले वो जरदारी के बयानियों को समझ लें कि सेनेट के इलेक्शन में नाकामी की बुनियाद पर शिकस्त हुई है, यानी जरदारी के बयानियों पर अब नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज का बयानिया, मौलाना फजल रहमान का बयानिया गालिब आएगा, यानी मुल्क में एहतजाजी सियासत का दोबारा आगाज होगा। वह हुकूमत के लिए भी मुश्किल पेश आएंगे, लेकिन हुकूमत उम्मीद है उनसे निपटने में कामयाब हो जाएगी।
और फिर जो पीडीएम के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का खतरा ये था कि गिलानी के मुंतखब होने के बाद शायद उनके अंदर कोई ठहराव आ जाए, शायद उनके अंदर कोई इस किस्म का इत्माद बहाल हो जाए कि वो दोबारा फिर पंजाब की तरफ रुख करें या फिर स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ। वो रवैया तो रुक गया है। अब पीडीएम को बंबरे मजबूरी समझ लें या अंदर के हालात के तकाजे के तहत एहतजाजी सियासत का ही आगाज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरह की 26 मार्च को जिस तरह पीडीएम ने ऐलान किया हुआ है कि हम एहतजाजी सियासत करते हुए लॉन्ग मार्च करें, तो पीडीएम शायद ये अदालती जंग के अंदर मसरूफ होकर इसको रमजान के बाद एक्सटेंड कर ले। उनके लिए बेहतर तो मुझे बुज़ाहिर यही नजर आता है कि रमजान के बाद जब शदीद गर्मी का आगाज होने वाला हो तो वहां उनके लिए यानी छोटी ईद के बाद, वो छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान जो वक्त है उनके लिए, वो उनके लिए बेहतरीन एहतजाजी वक्त है। इस दौरान फिर अदालतें भी फैसला कर चुकेंगी कि इलेक्शन के हारने वाले जो हैं वो वाकईतन यकीनन हारे हैं या वो धोखाधड़ी की बुनियाद पर हार चुके हैं। तो हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि वो जो 10 अप्रैल की बात है इलेक्शन 75 के अंदर जो 75 NA का इलेक्शन है, मुझे यूं लगता है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि उसको मुखर कर दे ताकि वहां भी युद्ध ना पड़े और हुकूमत की जो साख बनी है उसके अंदर कमजोरी ना पैदा हो। चूंकि अपोजिशन ने कोई ना कोई मौका अब गंवाना नहीं है, हाथ से नहीं जाना, खुद भी पैदा मौके कर सकती हैं और मौके पैदा होने से फायदा भी उठा सकते हैं। इसको आगे बुनियाद वो अपने एहतजाजी सियासत की बुनियाद आगे बढ़ा सकते हैं। तो हुकूमत की जो कश्ती डावाडोल थी, परेशान कन थी, इमरान खान को जो कौमी असम्बली में शिकस्त हुई थी, हालांकि बहुत सी सीटें इमरान खान ने जीती थी, लेकिन ये कौमी असम्बली के बाद सैनेट के चेयरमैन को मुंतखब करवा के और डिप्टी चेयरमैन को ज़्यादा शानदार तरीके से मुंतखब करवा के इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई है, यानी बुरे हालात उसके टले हैं, कामयाबी कामरानी के रास्ते खुले हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे चलकर तहरीक इंसाफ अदालती महाज पर क्या अपने वो पुराने वकीलों को जो हर महाज पर शिकस्त करते हैं उनको आजमाएगी या फिर कोई नए वकील बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाकर अपने हालात को, अदालतों की मजाज को, सोच को अपने फेवर में करके वो जो शिकस्त खुर्दा अनासर है उनको नाकाम करेगी या फिर खुद ही उस जाल में फंस जाएगी अदालती में, जिन्हें फिर पहले से जितनी मुश्किल पेश आई हैं अदालती महाज पर। और मैं समझता हूं कि अब तहरीक इंसाफ को सोच बाजार करके अपने लीगल टीम के अंदर भी बुनियादी तब्दीली लानी चाहिए, अपना मौकफ अदालतों में मजबूत अंदाज से पेश करना चाहिए। और एक जो बात और आजमाइश जो सकती है, जो सोच सकती है अपोजिशन के इतमाद के वोट की बजाय अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दे। बेशक ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर उन्हें अपनी अददी अक्सरियत पर पूरा इतबार और यकीन है, जिस पर इतबार करने के लिए बजाय हमें कोई सलीका नजर नहीं आता कि साथ उनके उम्मीदवार अंदर से काने तो जरूर हैं, लेकिन उन पर अगर इतमाद करते हैं तो फिर तहरीकी अदम एतमाद को जल्द से जल्द मूव करके अपनी अददी अक्सरियत सैनेट में साबित करें और फिर यूसुफ रजा गिलानी को कुर्सी चेयरमैनशिप पर बैठाएं और सादिक सरजानी को सलाम अकीदत पेश करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूं इन हालात में ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, हुकूमत को भी ठंडे दिल से गौर करना चाहिए और अपोजिशन को भी। 2-2.5 साल रह गए यार, इमरान खान अगर हुकूमत कर लेगा तो आइंदा इमरान खान का इलेक्शनों के अंदर भरपूर स्लोगन से जाना जरा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मुल्क के रियासी इदारे भी और अपोजिशन भी अंदर ये चाहती है कि इमरान खान अपना वक्त पूरा करे ताकि जितने इसके स्लोगन है अगर उसमें कामयाब हो जाता है तो अगला इलेक्शन बेहतर अंदाज से लड़ रहेगा। अगर उसके स्लोगन्स 50 लाख मकान बनाने का स्लोगन, करोड़ों की नौकरियां देने का स्लोगन, अफरात-ए-ज़र पर काबू पाने का स्लोगन, महंगाई को कम करने का स्लोगन में अगर वो कामयाब नहीं होता तो फिर अपोजिशन चाहे इत्तेहाद की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े, चाहे वो अकेली के लिए इलेक्शन लड़े, तहरीके इंसाफ को फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो आगाज हुआ है नई जमहूरियत का, नौखेज जमहूरियत का पाकिस्तान के अंदर सैनेट के इंतखाब के बाद, अब इमरान खान ज्यादा हौसले से, ज्यादा हिम्मत से, ज्यादा जुर्रत से, ज्यादा दिलेरी से कौम की खिदमत पर आमादा होगा। वाखुर दना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।